अभी थोड़े दिनों पहले जो दूसरी बिल्कुल लहर अपने पीक पे थी और उस पीक की जो मार पड़ी है इंडिया पे, उसमें जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हद तक शैटर्ड था। इसमें आईआईटी गांधीनगर ने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया है कि उन्होंने जब उनके यहाँ ये पीक की शुरुआत हुई तब से लेके थ्रू आउट इसको कैसे टैकल किया। तो इसे बात करने के लिए हमारे साथ आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर सर हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एक ब्रीफ दें कि ये वाइट पेपर एक्चुअली है क्या। देखिए, ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी, मार्च 2020 में, तो आईआईटी कानपुर ने थोड़ा डिफरेंट व्यू लिया दूसरे इंस्टीट्यूशन से, और हमने अपने स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए नहीं कहा। हमने कहा कि आप लोग अपनी स्थिति देख लीजिए, घर पर सुविधा है तो घर पर रहिए, यहाँ सुविधा है तो यहाँ रहिए, बिकॉज हर व्यक्ति की घर की सिचुएशन एक सी नहीं होती है। डेफिनेटली और हमें लगा कि हमारे स्टूडेंट्स इतने जिम्मेदार हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। बिल्कुल तो ये वहाँ से शुरुआत हुई मार्च 2020 से। तो उस समय लॉकडाउन के दौरान भी हमारे करीब 35-40% स्टूडेंट्स हॉस्टल में थे, और चिंता थी। उस समय पता नहीं था कि ये पेंडेमिक का रुख किस तरफ जाएगा, तो ये चिंता थी कि अगर शहर में हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपनी कम्युनिटी को, हमारे यहाँ लगभग 200-225 लोग फैमिलीज कैंपस में रहती हैं और काफ़ी वर्कर्स हमारे बाहर से भी आते हैं, तो चिंता थी कि अगर हॉस्पिटल्स में सुविधा नहीं होगी तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते। तो लास्ट ईयर 2020 मई जून में हमने इसके बारे में तैयारी की, और हमने कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीपी किट्स, ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, जितना भी मोटा मोटा चीज़ें जो उस समय हमको बताया गया वो सब हमने प्रोक्योर किया, और 8 अपार्टमेंट हमने असाइन किए। हर एक अपार्टमेंट में 2 बेडरूम विद सेपरेट बाथरूम्स, कि अगर कोई कोविड पेशेंट हो जिसको हमें कैंपस में संभालना हो तो हम यहाँ संभाल पाएंगे। वो फैसिलिटी हमने ट्राई क्रिएट की जून 2020 में, तो और काम उस मतलब पिछले साल से ही चल रहा था सर इस पिछले पे। साल से बहुत छोटे स्केल पर शुरू हुआ। ठीक है उस अक्टूबर में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स इन्फेक्ट हुए तो उनको हमने वहाँ रखा, ताकि क्योंकि हॉस्टल में रहेंगे तो बाथरूम कॉमन यूज़ करेंगे, वो ठीक नहीं था। और फिर फरवरी में जब फिर से लोग आने शुरू हुए, तब तक हमारा गेस्ट हाउस तैयार हो गया था, इस साल की फरवरी में 2021 की। 2021 की। तो हमने उसमें हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, हाउसकीपिंग स्टाफ थे, स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी मेंबर्स की फैमिलीज थी, स्टाफ थे, आउटसोर्स स्टाफ थे, जो भी लोग इन्फेक्ट होते थे उनको हम वहाँ गेस्ट हाउस में रखते थे, और वहाँ पर उनके खाने की और दवाई की और हेल्थ मॉनिटरिंग की, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने वहाँ की। और कुछ सिचुएशन ऐसी आती थी कि उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ता था, तो हमारे पास एम्बुलेंस थी, हमारे पास संपर्क सूत्र थे, तो हम हॉस्पिटल का बेड ऑर्गेनाइज करके अपने लोगों को हॉस्पिटल भेज देते थे अगर जरूरत। टोटल टोटल कितने लोगों को हैंडल किया होगा सर आप लोगों ने सेकेंड वेव में? हमने इस आपके यहाँ कब ये शुरू हुआ और मतलब कब खत्म हुआ, और इस बीच आप लोगों ने कितने लोगों को हैंडल किया? देखिए देखिए फरवरी में से लेकर के अभी तक लगभग 250 लोग उस फैसिलिटी में रहे, और उसके अलावा कुछ लोग थे जो घरों में ही रहे। फ्लैट हमारे पास जो कैंपस में फ्लैट्स हैं तो उसमें हमने किसी को प्रेशर नहीं किया कि आपको यहाँ आना ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता था कि हस्बैंड इन्फेक्ट होता था, वाइफ नहीं होती थी, तो प्रेफर करते थे कि हस्बैंड इधर आ जाए ताकि वाइफ को रिस्क नहीं रहे इन्फेक्शन होने का। कई बार वो वहीं घर पर ही रहना पसंद करते थे। तो जैसी सुविधा थी हमने वैसे ही किया, और जो लोग घर पर रहे उनको घर पर सुविधा मुहैया कराई, लेकिन गेस्ट हाउस की फैसिलिटी में लगभग 250 लोग हमने हैंडल किए, और पीक पर करीब 95 लोग थे। तो कितने बेड्स आप लोगों ने अरेंज किए हैं सर गेस्ट हाउस में, और किस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा था? तो गेस्ट हाउस में हमारे पास 190 बेड्स की व्यवस्था थी, और जब हमारे नंबर काफ़ी बढ़े, 70 हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, तो चिंता थी कि पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। तो हमने फिर कैलकुलेशन की कि हम 190 के ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे।
तो उसके लिए हमने जो गेस्ट हाउस में डॉर्मेटरीज हैं, बड़े हॉल्स हैं, उनमें सोचा था वहाँ डॉर्मेटरीज बना देंगे और शेयर्ड बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। और हमने एक हॉस्टल का ब्लॉक पूरा खाली इसी काम के लिए रिजर्व में रखा हुआ था कि अगर हमारी गेस्ट हाउस की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो हम गेस्ट हाउस फिल होने के बाद हॉस्टल को यूज़ करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, अगर मैं ठीक से वाइट पेपर पढ़ पाया हूँ तो उसमें इन्फॉर्मेशन है कि जो दो नर्सेज हैं वो मतलब हैंडल कर रही थी सिचुएशन को, तो जो मतलब पीक के टाइम पे जब 90 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो ये सफिशिएंट था दो नर्सों का नंबर, वो हैंडल कर ले पा रही थी। एल्टीट्यू सो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता था तो उसको हम डिफाइन कर देते थे कि वो आइसोलेशन पेशेंट है या नर्सिंग पेशेंट है। अगर कोई बहुत माइल्ड सिचुएशन है, थोड़ा बहुत बॉडी एक है, फीवर है, देन वी विल ट्रीट दिस एज ए आइसोलेशन पेशेंट, द पर्सन इज देयर बिकॉज ऑफ नीड फॉर आइसोलेशन। बट देन अगर थोड़ा सा लगता था कि इसका ऑक्सीजन वेरिएशन हो रहा है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको हम नर्सिंग पेशेंट बोलते थे। सो आइडिया वॉज कि हमारी नर्सेज का जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए बहुत ज़्यादा, और जिन पेशेंट्स को ज़्यादा उनकी ज़रूरत है उनके ऊपर वो ज़्यादा रहें। और इन दो नर्सेज के साथ हमारे पास कुछ असिस्टेंट्स थे, मेडिकल असिस्टेंट टाइप के यंग लोग थे जो जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है लेकिन जो अवेलेबल थे। अगर हमको आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लेना है, आरएटी के लिए सैंपल लेना है, या हमको टेम्परेचर नापना है, ऑक्सीजन नापना है, तो उसमें वो लोग भी हाथ बटाते थे। ठीक है सर, एक चीज़ जो आपने बताया कि आप लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर्स वगैरह पिछले ही साल प्रोक्योर कर लिए थे, तो पिछले साल इंडिया में जो हालात थे और इस साल जो हालात है, पहले और दूसरी लहर में मतलब आकाश पाताल का अंतर है, तो आप बता पाएंगे कि जो प्रोक्योरमेंट था वो मतलब उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही, और मतलब आप लोगों ने जो प्रोक्योरमेंट पिछले साल की थी वो इस बार सफिशियंट हुआ या आप लोगों को और जगहों पर मतलब और लोगों को अप्रोच करना पड़ा, और बॉडीज को अप्रोच करना पड़ा? देखिए, हमने चार कंसंट्रेटर्स और चार सिलेंडर्स खरीदे थे और एक कंसंट्रेटर हमारे पास पहले से था। हमारे पास 9 लोगों की व्यवस्था थी। और हमने कभी भी इसको पूरा यूज नहीं किया, कभी भी 3-4 से ज्यादा यूज नहीं किए। मतलब आप कह रहे सेकंड वेव में भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया इनमें से कुछ भी, लेकिन चिंता जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन चिंता थी कि अगर सिचुएशन हालात ज्यादा खराब हो तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने दो काम किए। एक तो हमने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से कहा कि इसका एक टी शेप का जंक्शन बनाओ ताकि एक ही कमरे में दो बेड पर हम दो पेशेंट को रखें और एक ही मशीन से दो लोगों को हम ऑक्सीजन दे सकें। तो उसने एक बहुत अच्छा टी जंक्शन हमें बना करके दे दिया। तो ये इनोवेशन के IIT गांधीनगर में जो बाकी लोगों को पास किया जा सकता है। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ा सिंपल सा आइडिया है। नल में पानी के लिए आप करते ही टी जंक्शन है ना, एक जगह से एक ही किया। दूसरा, हमने कुछ एक्स्ट्रा कंसंट्रेटर्स के ऑर्डर प्लेस किए जो उस समय अवेलेबल नहीं थे, जो अब आए हैं, एक दो दिन पहले आए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा रिडंडेंसी, थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करना अच्छा रहता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस समय हम लोग 70-80 पेशेंट थे उस समय हमारे, उस समय चिंता होनी शुरू हो गई थी कि अगर हमें कम पड़ा तो दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसलिए उस समय थोड़े और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का। सर, जहां जितना डॉक्यूमेंट मैं पढ़ पाया उसमें कहीं पे भी मेडिकेशन का मेंशन, जैसे आप लोगों ने रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है जिसकी बहुत मारामारी रही, शायद वो प्रकार नहीं किए थे, तो उसकी जरूरत पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी तो किस तरीके से अरेंज किया आप लोगों ने? देखिए, रेमडेसिविर हमने गेस्ट हाउस में नहीं दिया। अगर पेशेंट को रेमडेसिविर की सिचुएशन आई तो फिर हमने उनको शहर के किसी हॉस्पिटल में सेंट्रली ऑर्गेनाइज करके, बेड ऑर्गेनाइज करके पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठा करके। सर सॉरी इंटरप्ट करके एक सवाल पूछना चाहूंगा, गुजरात की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो जब आप लोग अपने पेशेंट्स को ट्रांसफर कर रहे थे तो इजिली बेड मिल जा रहा था, उनको कितनी डिफिकल्टी आई? देखिए, कभी 10 मिनट में भी मिल जाता था और कभी 2 घंटे भी लगते थे, है ना, इसमें स्ट्रगल था। लेकिन हम कहेंगे कि हमको बहुत सहयोग मिला, हर लेवल पर बहुत सहयोग मिला, सरकार से भी सहयोग मिला और जो मेडिकल प्रोफेशन है शहर का उससे भी बहुत सहयोग मिला। तो हमें खुशी है कि हम लोगों की बेड की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। किसी तरीके की कैजुअलिटी भी हुई सर कैंपस से कोविड के दौरान? क्या कैजुअलिटीज रही? सेकेंड वेव में हमारे एक कॉलीग की मदर वाज क्रिटिकल
in a hospital and she unfortunately could not survive. Okay. And and then one of our mess workers also came quite late to our attention. And then we again sent him to the hospital, and again after a few days in the hospital he did not survive. We are sorry for that. अच्छा सर एक चीज बताएं, एक क्रिटिसिज्म ये रहा ओवरऑल, मैं मतलब किसी बॉडी या किसी को मैं नाम किसी को नेम नहीं कर रहा, तो सेकंड वेव फर्स्ट वेव में जो प्रिपरेशन की गई थी है ना कि ये बहुत बड़े स्केल पे जा सकता है, उतने बड़े स्केल पे इंडिया में गया नहीं, लेकिन सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल कर दिया गया. आई डोंट थिंक आप लोगों ने वो किया और जो आपके फायदे में काम आई, तो आपको लगता है कि डिसमेंटलिंग जो हुई वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक रही है ओवरऑल? देखिए जो ये डिजास्टर और डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं ये पहले से नोटिस दे करके तो आती नहीं है, तो इसलिए हमारा जो सोचने का तरीका था वो ये था कि कभी भी किसी भी समय कुछ भी सिचुएशन आएगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना है. अभी जैसे इस समय हमारे पास सारे पेशेंट हमारे रिलीज हो गए गेस्ट हाउस से, लेकिन आज भी अगर हमारे पास दो चार पेशेंट आ जाएंगे अचानक तो हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उनको टेकअप करने में. मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रखा है? यस यस, ये आगे भी इंटैक्ट रहेगा जब तक कि मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन. तो सजेशन, आइडियल सजेशन यही होना चाहिए कि जो भी बॉडीज, जो भी स्टेट्स या नेशनल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड किया जा रहा है उसको मतलब सस्टेन करने दें. यस. अच्छा सर एक सवाल ये है कि जैसे IIT या JNU जैसे जो कैंपसेस होते हैं वो मतलब उनकी अपनी एक चार दीवारी होती है, वो अपने बाउंड्री में होते हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे शहर में स्कैटर्ड है, या मतलब आप बिहार के किसी छोटे शहर के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेंगे, तो उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होता जो IITs के पास होता है या मतलब JNU जैसे किसी यूनिवर्सिटी के पास होता है. तो एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे किसी स्कैटर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा जो छोटे शहरों में जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो आपके व्हाइट पेपर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है जिनके पास आपके ऐसा प्रिविलेज नहीं होता? देखिए इसमें प्रिविलेज से ज्यादा माइंडसेट की दिक्कत है. जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारे यहाँ भी इंटरनली देयर वाज अ थिंकिंग कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं. ओके. बड़ी बीमारी है, किसी को कुछ हो जाएगा तो आपको ब्लेम करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम आएगा, है ना. जब हमने कहा स्टूडेंट्स को कि आप रहना चाहें रहें, घर जाना चाहें जाएं, तब भी हमें कहा गया कि आप इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे हैं, है ना. जब हमने गेस्ट हाउस में आउटसोर्स वर्कर्स को रखना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये तो आपके एम्प्लॉय नहीं है, आप इनकी क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं. जब हमने आउटसोर्स वर्कर्स के भाई को लेना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये तो आउटसोर्स वर्कर की फैमिली से भी बियॉन्ड जा रहे हैं आप. सो ये सब माइंडसेट का इशू है. मेरा ख्याल है कि हमें इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए. सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप एक चीज तो मानेंगे ना, जैसे मतलब एक तो मतलब आपका जो कैंपस है उसमें अगर एक गेस्ट हाउस है तो वो उसी कैंपस का हिस्सा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि एक यूनिवर्सिटी के साथ वो प्रिविलेज नहीं, उसके सारे कॉलेजेस स्कैटर्ड है. सिमिलरली जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का फाइनेंस IITs को मिलता है या JNU को, उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिलता है. DU को जो मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर किसी अब जो मतलब वायरस की मार है, कह रहे कि छोटे शहरों में वो पहुंच रही है, सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ेगी, है ना, पड़ रही है इनफैक्ट, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे जो जिनके पास फाइनेंशियल क्रंच है? मान लीजिए विल पावर है लेकिन फाइनेंशियल क्रंच है और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उनके पास. देखिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल गुजरात में कच्छ जिले में मुझे बताया गया कि एक गांव में करंट MLA एंड डिफीटेड MLA मिल करके उन्होंने बहुत सुंदर आइसोलेशन फैसिलिटी विद ऑक्सीजन विद फूड सप्लाई किया है गांव में, स्कूल में. मेरा ख्याल है ये सबको साथ मिलने की जरूरत है, सबका साथ में उद्देश्य होना चाहिए. हम क्या इसको एक ही दिशा में खींच रहे हैं या हर व्यक्ति उसको अलग दिशा में खींच रहा है? मतलब मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस की कमी है, उनको बाकी तरीके का बैकअप मिले ताकि वो आपने जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उस वाली पोजीशन में पहुंच पाए. मेरा एक रूल है जो मैं अपने साथियों को कहता हूँ, आर यू डूइंग एवरीथिंग दैट इज विद इन योर मीन्स टू डू. आपकी हैसियत में जो जो काम है क्या वो आप कर पा रहे हो? अगर वो कर पा रहे हो तो आप अच्छी तरह सोच सकते हो. Now, अगर मैं शहर में हूँ, क्या शहर में क्या स्कूल नहीं है, क्या शहर में हॉस्टल नहीं है,
क्या शहर में ऐसे धर्मशाला नहीं है जो आजकल यूज नहीं हो रही है, है ना? गांव में भी जाऊंगा मैं तो वहां भी स्कूल होगा, वहां पर भी धर्मशाला होगी, वहां पर भी पंचायत का कोई बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक नजरिया चेंज करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें खर्चे का इशू नहीं है। अगर आपको वहां पलंग डालना है, आप पलंग मत खरीदिए, आप कम्युनिटी से कंट्रीब्यूट करा लीजिए, आप सब लोग एक एक पलंग दे दीजिए वहां पर। ऑक्सीमीटर 1000 रुपए का आता है, 1500 रुपए का आता है, थर्मामीटर। साउंड्स लाइक अ सॉल्यूशन। ठीक है सर, एक चीज बताएं, मेंटल हेल्थ बड़ा मसला है, खासतौर से मतलब आईटीआई में जितना टफ, जिस टफ स्पॉट में स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने जा रहा है बच्चे कैंपस से बाहर है, तो मेंटल हेल्थ के लिए कुछ हो रहा है सर? और कुछ हो रहा है के साथ आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए जो हो रहा है उसके अलावा? देखिए, मेंटल हेल्थ में दो तरह की इंटरवेंशन कर रहे हैं। एक तो इंटरवेंशन ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक काउंसलिंग सर्विस है जिसमें ट्रेंड काउंसलर्स हैं एंड दे हैव बिकम वेरी वेरी प्रोएक्टिव। सो फॉर एग्जांपल, व्हेन समबडी वाज इन द हेल्थ सेंटर विद द इन द गेस्ट हाउस फॉर द कोविड पेशेंट, दे वुड रीच आउट टू देम। वी क्रिएटेड अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ वॉलंटियर्स हु वुड फोन एवरी पेशेंट, आस्क कि भी कैसा चल रहा है, and those who needed a little bit of professional counseling, they were connected with the professional counselors to talk to them. So one is professional counselors. So we have been using professional counselors very, very effectively using video technology, because now the student can be in the hostel, but student can also be in their hometown, and they are available to our counselor to talk on the video and discuss. So that is one thing that we are very effectively leveraging. Second thing that is very important is that the teacher's attitude towards the student, do they convey certain respect, do they convey certain love, do they convey certain empathy? If that is so, it is much easier for the student. We have also our Senate, we had an emergency meeting of our Senate, I think 10 days back, 15 days back, where the only agenda item was, how can we give relief to our students without compromising on academic requirements? Sir, ek cheez ye puchni thi ki jaise पैंडेमिक में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पास कर दिया गया और उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग पे बात हुई, लेकिन 15 मंथ डाउन द लाइन दिख नहीं रहा कि मतलब ऑनलाइन के अलावा कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में रिज्यूम करने की कोशिश की गई है। तो आप जितने बड़े पोजीशन में, जितने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, आपने 1 ईयर डाउन द लाइन कुछ फिगर आउट किया, कोई सजेशन है कि मतलब किस डायरेक्शन में लेके जा सकते कि बच्चे थोड़ा तो कैंपस लौटे? देखिए, मैंने आपसे बताया कि मेरा कैंपस में स्टूडेंट्स हैं। आप सर एक्सेप्शन है। मैं रूल की बात कर रहा हूं। मैं मतलब अगर आपके कैंपस में स्टूडेंट्स से काबिले तारीफ है, मैं तो बस कह रहा हूं कि मतलब मैक्सिमम बच्चे ऑफ कैंपस से, मैक्सिमम कैंपसेस से, स्कूल कॉलेजेस हर जगह से, मेरे स्टूडेंट्स अभी भी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, अभी भी अदरक की चाय पी रहे हैं। काबिले तारीफ सर, बिल्कुल बिल्कुल काबिले तारीफ। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि कोई तो सजेशन आप देना चाहेंगे। आपने जो किया वही बताइए कि मतलब आपने किस तरीके से किया और उसको बाकी कैंपसेस किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। देखिए, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो ये है कि हम लोग अपने यंग लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, आप हमारे ऑफिसेज में हम सोचते हैं जूनियर स्टाफ कम काबिल है, जैसे जैसे बाल सफेद होते हैं आदमी में विजडम बढ़ जाती है। एज ए टीचर हम सोचते हैं हमारे स्टूडेंट्स कम सोच सकते हैं, हम ज्यादा सोच सकते हैं। हमारे यहाँ उल्टी बात है, हम सोचते हैं कि जितना यंग व्यक्ति है उसके स्टेक्स उतने ज्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा है। और हमने IIT गांधीनगर को पूरा डिजाइन इस तरह से किया है कि वी ट्रीट अवर स्टूडेंट्स एज वेरी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स एंड वी होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। तो हम उनके मम्मी पापा से डील नहीं करते अगर हमें डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना पड़े तो, है ना, डायरेक्ट उनसे डीलिंग होती है। और हमारे मम्मी पापा आते भी नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब स्टूडेंट आते हैं मम्मी पापा के दिन, तो स्पीच में मुझसे यही सुनते हैं कि भाई कल से मैं मम्मी पापा नहीं देखना चाहता हूँ कैंपस में, अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, बच्ची बड़ी हो गई है, कल से ये एडल्ट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर। नाउ इस पे जब हम काम करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती अगर हमारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। दे आर एन एसेट टू अस, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी डिफिकल्टी बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम फ्यूचर जनरेशन जो तैयार करें उनको केवल विषय ही नहीं पढ़ाएं, बल्कि उनको एक वैल्यू सिस्टम, उनको एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, उनको एक लाइफ स्किल, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब साथ भी दें
और उसको देने के लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा कि आपको एथिक्स का एक कोर्स कर दिया, एक एटीट्यूड का कोर्स कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बट जिस तरह से आप उनके साथ काम करते हैं, जिस तरह से आप उनके साथ डील करते हैं, जिस तरह से आप उनको रेस्पेक्ट देते हैं या उनके साथ एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, एक अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो पिछले साल एक शायद बच्ची की जान चली गई थी पिछले साल कैंपस में, तो उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, वो मतलब वो पोर्ट्रेयल सही था कि कैंपस में लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए दो तीन दिन तक, या जो वाजिब स्थिति थी मतलब आप आज बताना चाहेंगे? नहीं, उसमें कुछ नहीं छिपाने का बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी और देर वर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट वर नॉट प्रॉपर फॉर अस टू शेयर इन पब्लिक बिकॉज दीज आर ट्रेजिक सिचुएशंस एंड वी कैनॉट बी इरेस्पॉन्सिबल इन रिवीलिंग सर्टेन थिंग्स एंड यस देर वॉज सर्टेन adverse publicity that certain individuals created for it, but that was most I think when such a thing happens we should be empathetic to the affected families and we should not do this kind of thing. Bas follow up mein bas dobara se wahi puchunga sir ki matlab jo baat kahi gayi thi ki campus ki side se koi baat reh gayi hai ki 2-3 din tak koi attend nahi kar paya tha usko, ye sahi baat thi? Nahi, galat thi. Attendance ka koi masla hua tha? Nahi, aisa kuch nahi tha. Wo bachi quarantine mein thi, bahar se aayi thi aur uske baad wo क्वारंटाइन छोड़ करके अपने कमरे में आ गई थी और उसने फिर अपने कमरे में जो भी मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते कि आपको लगता है लार्जेस्ट स्केल पे, मैंने जैसे कई और कैंपसेस के वीसी से बात की, प्रोफेसर से बात की, तो उनका कहना है कि जितनी तेजी से अगर हम स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे और फैकल्टीज को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट करें और एक बबल क्रिएट करें और उस बबल क्रिएशन के बाद मतलब हम जितनी जल्दी हो सके कैंपसेस को रिज्यूम करें, आपको लगता है ये एक सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, मेरे को बिग पिक्चर नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि कितना सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो कहेंगे कि लॉयर्स को कर दें तो हमारी कचहरी जल्दी शुरू हो जाएगी, मैं कहूँगा हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जल्दी चालू कर दीजिए, अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो जो हमारे शॉपकीपर्स हैं बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो जल्दी से कर दीजिए। सो इस विषय में मेरे को कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा ख्याल है कि मेरा इस विषय में कहना उचित नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मेरे को लगता है कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को काफ़ी इंसाइट मिलेगा अगर उनको कोविड केयर फैसिलिटीज़ अपने यहाँ डेवलप करनी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया इतने टफ स्पॉट में आपने हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हैं अनकट, आई होप कि आपको मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारी इस वीडियो से। मेरा नाम है तरुण। थैंक यू तरुण।